दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एसयूवी की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अगर आप भी अपने लिए एक एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मार्केट में एसयूवी के कई दमदार मॉडल मौजूद हैं। चलिए इस वीडियो में इन मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन मार्केट में कुछ सालों से एसयूवी की डिमांड दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और ये काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इन वाहनों को पसंद करने के पीछे सबसे बड़े कारण यह है कि ऑफ रोड पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन करती है। इन एसयूवी में स्पेस भी काफी अच्छा मिलता है और अगर आप भी अपने लिए एक नई एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो इंडियन मार्केट में 15 लाख रुपए से कम की कीमत में कई दमदार एसयूवी मौजूद है। दोस्तों पहले नंबर पर आती है किया सेल्टोस, जो किया की एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है। किया एक मिड साइज एसयूवी है जिसने किया को इंडियन मार्केट में एक नाम दिया है। इसके साथ ही ह्यूंडई क्रेटा की एक मेन कॉम्पिटिटर है। कंपनी ने इस कार में कई नए फीचर्स ऐड किए हैं। वहीं कंपनी सेल्टोस को एक नया रूप देने की तैयारी कर रही है जिसे जल्द ही भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख से शुरू होती है और 19 लाख तक जाती है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है स्कोडा की कुसाक एसयूवी। दोस्तों कुसाक पहला वाहन है जिसे वॉक्सवैगन समूह के द्वारा इंडियन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया है। कुसाक को दो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, एक 1 लीटर है और एक 1.5 लीटर है। कुसाक की कीमत 11,59,000 रुपए से शुरू होती है और 19,70,000 रुपए तक जाती है। दोस्तों अगली कार है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। मारुति भारतीय बाजारों में सबसे अधिक कार सेल करने वाली कंपनी में से एक है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है जो लो और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ आती है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ आती है। ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी की पहली मिड साइज एसयूवी है। ग्रैंड विटारा की कीमत 10,45,000 रुपए से शुरू होती है जबकि मौजूदा हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत 17,99,000 रुपए है। दोस्तों अगली गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक इंडियन मार्केट में दो वेरिएंट क्लासिक एस और क्लासिक 11 में आती है। इसमें 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। महिंद्रा पिछली जनरेशन की स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो क्लासिक के रूप में वापस लाई है। कंपनी ने पिछली जनरेशन के मुकाबले स्कॉर्पियो की तुलना में स्कॉर्पियो क्लासिक को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। इसकी कीमत 12,64,000 रुपए से शुरू होती है और 16,20,000 रुपए तक जाती है। दोस्तों अगली कार है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर ई एस जी और वी ट्रिम्स में आती है। टॉप के 3 ट्रिम्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी। इस एसयूवी को माइल्ड हाइब्रिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ पेश किया गया है। माइल्ड हाइब्रिड की कीमत 10,48,000 रुपए से शुरू होती है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की कीमत 19,49,000 रुपए से शुरू होती है जो कि इन एसयूवीज का एक्सोरूम प्राइस है। दोस्तों जो अगली गाड़ी है वो इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर है। जी हाँ, महिंद्रा थार। नेक्स्ट जनरेशन थार को 2020 में वापस लॉन्च किया गया था और ये भारतीय बाजारों में तुरंत तेजी से हिट हो गई थी। महिंद्रा ने थार का किफायती आरडब्ल्यू वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 9,99,000 रुपए एक्स शोरूम है। जल्द ही कंपनी इसका 5 डोर वेरिएंट भी भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। दोस्तों अगली कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की तुलना में 206 mm लंबी, 97 mm चौड़ी और 70 mm अधिक व्हील बेस के साथ आती है। यह स्कॉर्पियो एन न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो है। कंपनी ने इसमें कई नए फीचर दिए हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 12,74,000 रुपए से शुरू है और 24 लाख रुपए तक जाती है। यह कुल 30 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। दोस्तों इस लिस्ट की लास्ट गाड़ी है ह्यूंडई क्रेटा। क्रेटा एक एसयूवी है जो भारतीय बाजारों में काफी फेमस है। एक तरह से कहें तो इसे पहचान की जरूरत नहीं है। यह मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट की लीडर है और भारत में पहली बार लॉन्च होने के बाद ही मार्केट पर राज कर रही है। ह्यूंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10,64,000 रुपए है। इस एसयूवी का एक्सटीरियर प्रोफाइल काफी दमदार है। दोस्तों अगली गाड़ी है एक्सयूवी 700। एक्सयूवी 700 ने लाइनअप में एक्सयूवी 500 को रिप्लेस किया है लेकिन इसकी कीमत अधिक है। एक्सयूवी 700 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 13,45,000 रुपए से शुरू होती है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट एसयूवी कार कौन सी है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।